पुरानी पेंशन बहाली योजना की मांग को लेकर गुरुवार को मंडल अध्यक्ष विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन भारत तेंदु यादव के नेतृत्व में जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के समक्ष न्यू पेंशन स्कीम का पुतला दहन किया। मंडल अध्यक्ष ने कहा कि हम पुरानी पेंशन योजना की बहाली तक करो या मरो की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस अवसर पर संजय राज, चंद्रभान, प्रमोद आजाद, सरिता नायक, प्रीति सिंह, रणधीर शाही सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए भारतेंदु यादव ने कहा, मेरा नाम भारतेंदु यादव। क्या मांग है तुम्हें, कहा जाए किसका पुतला है? हम लोग न्यू पेंशन स्कीम यानी कि नो पेंशन स्कीम का पुतला दहन किए हैं। हम कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा छल हुआ है, वह बात याद आती है कि समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पर किया जाए। गला दुश्मन से मिलकर भाई भी काट लेता है। अब बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगू, जिसे सर पे बिठाता हूं वही सर काट लेता है। आज हम लोगों के साथ हमारे लोगों ने जो जिनकी हमने लड़ाई उनके हाथों में सौंपी थी पुरानी पेंशन की, उन लोगों ने हमारे पीठ पे छुरा घोपने का काम किया है। आज हम एनपीएस, हम लोग पुरानी पेंशन बहाली के लिए नए कर्मचारी अपने हाथ में अपनी लड़ाई लेने का कार्य करेंगे। उसी के विरोध में न्यू पेंशन स्कीम का पुतला जला करके हम लोग जिला बैठी शिक्षा अधिकारी गोरखपुर कार्यालय पर चेतावनी देने का कार्य किए हैं।